ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आप हो शीतल होए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाएं अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। आज टिप्स हमारे जीत आपकी पुस्तक का अध्याय नंबर सेकंड, मृदुभाषी बनो, को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेखक कहना क्या चाहते हैं। जीवन की सफलता में शब्दों का, वाणी का क्या योगदान होता है, उसे आज हम तीन कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो तीन कहानियाँ इस अध्याय में वर्णित हैं। पहली कहानी है एक व्यवसायी की कहानी, दूसरी कहानी है एक धनवान व्यक्ति की कहानी, और तीसरी कहानी है एक साधारण लड़की की कहानी। इन तीन कहानियों के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि हमारी वाणी का हमारी प्रगति में क्या योगदान होता है। लेकिन ये कहानी पढ़कर इसका लुत्फ़ उठाने से पहले अक्सर हमारे साथ या हमारे जीवन में होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और हम उदाहरण लेते हैं एक कर्मचारी का, जो किसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत है, इसका उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है, लोग गलती कहाँ पर करते हैं और उनको करना क्या चाहिए। जिस प्रकार से कुछ पौधे अपने पड़ोस के दूसरे पौधों को नहीं उगने देते और अपने आसपास की जमीन को विषैला बनाकर दूसरे पौधों का जीवन हरण कर लेते हैं, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति भी हमारे समाज में इसी प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। ये लोग, जिनमें खासकर संस्थाओं के मालिक व अफसर हैं, अपने आसपास का वातावरण इस तरह बना डालते हैं कि उनके अधीन काम करने वाले अन्य लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। उन्हें देखते ही कर्मचारियों के प्राण सूखने लगते हैं। कर्मचारियों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उनका दम घुटा जा रहा है। कारण क्या है? वो फोर्स से काम करवाना चाहते हैं, वो उनके साथ मृदुभाषी नहीं है। उनको लगता है कि कर्मचारियों के गले में जब लगाम डली रहेगी तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। इस प्रकार के मालिक या अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डरा धमका तो सकते हैं, परंतु उनसे अच्छा काम कभी नहीं ले सकते और ना ही उनसे सच्चा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से स्वामी और अधिकारी यह समझते हैं कि कर्मचारियों की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। वे इसे सिद्धांत बना लेते हैं। प्रशंसा का अवसर आने पर भी वे अपने कर्मचारियों की प्रशंसा नहीं करते हैं, वो तो उनमें दोष निकालने में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि कुछ लोग केवल सराहना के लिए जीते हैं। उचित और सामायिक सहायता के बिना वे अच्छा काम कर ही नहीं सकते। सराहना से उन्हें काम करने के लिए प्रेरणा और उत्साह मिलती है, लेकिन जो बॉस होते हैं ऑफिस के, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती है। उनको तो लगता है कि अगर वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो अपने कर्मचारियों से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं। तो कर्मचारी भी डर कर काम तो कर देता है, लेकिन जितनी इफिशियंसी से वो काम कर सकता है उतनी इफिशियंसी से वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि काम तो वो कर रहा है लेकिन डर के कारण कर रहा है, अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। तो जब एक कर्मचारी अपने अधिक से अधिक प्रयत्न द्वारा अच्छे से अच्छा काम कर रहा हो, तब उसकी सराहना ना करना एक असभ्यता है। इससे काम अवश्य ही बिगड़ता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी यदि आपने थोड़ी भी प्रशंसा कर दी तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट वो लाकर देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम समझी जो कि एक ऑफिस में, दफ्तर में हर कहीं होती है। अब लेखक क्या कहते हैं, इसका समाधान क्या है? लेखक अब इसका समाधान बताएंगे। हम इसका समाधान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी कहानियों की तरफ बढ़ेंगे। अब लेखक कहते हैं, यदि आप अपने मधुर शब्द या छोटे से पत्र द्वारा किसी के हृदय को ऊंचा उठाते हैं या उनके कार्य के लिए प्रोत्साहन देते हैं, तो आप निःसंदेह अच्छा काम लेने की योग्यता रखते हैं। आपको काम समय पर और सही मिलेगा। यह हमारी योग्यताएं, कार्यशक्ति तथा कार्यकुशलता की, जब हमारी योग्यताएं, कार्यशक्ति तथा कार्यकुशलता की कोई बड़ाई करता है तो हमें बड़ा सुख मिलता है।
तब हमें अपने बारे में और अपने काम के बारे में सोचने का मौका भी मिलता है। उस समय हमें अपने भविष्य के बारे में, अपनी सफलता के बारे में आशा हो जाती है। तब हम और भी अच्छा काम करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब हम किसी कर्मचारी की प्रशंसा करते हैं, यदि उसने कोई अच्छा काम किया है और उसकी यदि हम प्रशंसा करते हैं, तो उसके मन में आशा डेवलप होती है, एक होप डेवलप होती है कि मालिक ने मेरी प्रशंसा की है, इसका मतलब जिस संस्थान में या जिस जगह में हूँ, यहाँ मेरा भविष्य सुरक्षित है और मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो अब जो वो काम करेगा, वो काम अपने दिल से करेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि कर्मचारियों को क्रिटिसाइज करने की जगह उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, और यदि उनने कोई अच्छा काम किया है, तो उसके लिए हमें उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। कर्मचारियों की कार्यकुशलता का आधार उत्साह है। उत्साह से ही काम की लगन लगती है। जब लगन लगती है, तो मनुष्य कार्य को अच्छे ढंग से करने का उपाय सोचता है। यदि जितनी भी बातें हमने कही उसको एक लाइन में कहना हो, तो लेखक कहना चाहते हैं कि उत्साह और आशा से ही सब प्रकार का उत्पादन बढ़ता है। यदि आप अपने कर्मचारियों की, यहाँ पर उदाहरण कर्मचारी का एक ऑफिस का लिया गया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप जिस भी स्तर में वहां अप्लाई कर सकते हैं। अब लेखक कहते हैं कि यदि आप किसी की प्रशंसा करते हो, तो उसके अंदर उत्साह डेवलप होता है और उसके अंदर होप डेवलप होती है। जब ये दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। उस व्यक्ति का भी डेवलपमेंट होता है और जिसके लिए वो काम कर रहा है उसका भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और लेखक उसको कैसा करवाना चाहते हैं। अब चलते हैं हमारी तीन कहानियों की तरफ, जिसमें से पहली कहानी है एक व्यवसायी की कहानी। मैं एक ऐसे व्यवसायी से परिचित हूं जो कि बहुत नम्र एवं सज्जन है। उसे दूसरों से काम लेने का बड़ा अच्छा तरीका मालूम है। वह कभी भी दूसरों पर आरोप नहीं लगाता, ना ही वह कभी शेखी बघारता है। बात ही बात में वह दूसरों से मनचाहा कार्य करा लेता है। वह बिना किसी शोर शराबे के तथा बिना लालच दिए ही अपना प्रत्येक कार्य करा लेता है। वह इतनी नम्रता एवं कोमलता से अपनी बात कहता है कि अन्य लोग उसका कार्य करके बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उसके कार्य अनायास ही होने इस प्रकार उसके कार्य अनायास ही होते जाते हैं, जैसे सूर्योदय होने पर कमल की पंखुड़ियां अपने आप ही खिल उठती हैं। तो देखा आपने, मृदुभाषी होने से हमारे काम कैसे बन जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि वह व्यवसायी उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। उसका काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह आभास नहीं होता कि उसमें कोई भी कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया जा रहा है। मतलब जब हम मृदुभाषी होते हैं, तो जैसे हम काम करवाते हैं, तो जिससे भी हम अपना काम करवाते हैं, उसको कभी ये लगता ही नहीं है कि उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। उसको लगता है कि सामने वाला, मैं यदि काम कर रहा हूं तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, भले ही ये काम किसी दूसरे इंसान का है, लेकिन उसे अपना काम समझकर वो इंसान करता है। उसने अपने व्यवहार नीति को कोमल बना रखा है। यहां पर किसकी बात हो रही है? उस व्यवसायी की बात हो रही है। उसने अपने व्यवहार नीति को कोमल बना रखा है तथा आत्मविश्वास को इतना प्रबल बना लिया है कि अन्य लोग फौरन ही उसके प्रत्येक कार्य को करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह जो कुछ कराना चाहता है, अधिकांश व्यक्ति उसे अपनी ही इच्छा मानकर उसे करने में सच्ची लगन से जुट जाते हैं। उसके कर्मचारी उसका बड़ा सम्मान करते हैं, वे उसे प्रिय मानते हैं। इसका कारण यही है कि वह सदैव मृदुभाषी, परोपकारी, दयालु एवं विचारवान है। वह कभी किसी को डांटता फटकारता नहीं, ताने नहीं देता, गालियां नहीं देता, व्यंग्य नहीं कसता, लेकिन उसके कर्मचारी यह जानते हैं कि यदि उसने आदेश दे दिया तो वह कार्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन अवश्य होना चाहिए। उस व्यवसायी के यहाँ यद्यपि लोग बड़ी भारी संख्या में कार्यरत हैं, तथापि कभी भी किसी ने उसे गुस्सा करते, अपना अधिकार जताते हुए एवं कटु वचन बोलते नहीं देखा।
वह व्यवसायी इतना सज्जन है कि उससे अपरिचित व्यक्ति प्रायः आश्चर्य किया करते हैं कि वह अपने कारखाने में अनुशासन किस प्रकार कायम किया उससे अपरिचित व्यक्ति प्रायः आश्चर्य किया करते हैं कि वह अपने कारखाने में अनुशासन किस प्रकार कायम किया करता है। उसका प्रत्येक कार्य समय पर होता है। तो कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो मृदुभाषी है, लोगों से स्नेह करता है, तभी उसका कार्य नियत समय पर और इफिशियंसी के साथ पूरा हो जाता है। एक दूसरा व्यवसायी भी है। इसी व्यवसायी के कारखाने के पास एक अन्य व्यक्ति भी है। उसकी आयु भी इसी व्यवसायी के समान है, लेकिन उसकी आदतों में बड़ा फर्क है। वह जरा जरा सी बातों पर चीखने चिल्लाने लगता है, गालियां बकने लगता है। वह प्रत्येक कार्य में कमियां निकालता है, प्रत्येक कार्य में दोष निकालता है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डांटता फटकारता रहता है। वह अपने कर्मचारियों को अप्रिय है, क्योंकि वह कभी भी अपने कर्मचारियों से काम करने को मित्रवत नहीं कहता, अपितु उन पर हुक्म चलाता है। कर्मचारी मजबूरी बस उसके यहाँ काम तो अवश्य करते हैं, लेकिन उससे हर वक्त डरते रहते हैं। वे केवल भयभीत होकर ही उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कोई भी अच्छा कार्यकर्ता उसके यहाँ नहीं टिक पाता। रिजल्ट ये होता है कि उसको अनाड़ी और अकुशल कर्मचारी रखने पड़ते हैं। उसके कारखाने का उत्पादन सदैव घटिया किस्म का होता है, क्योंकि कुशल, शांत स्वभाव, सुसंस्कृत एवं उच्च कोट के कारीगर उसके यहाँ कार्य करना पसंद ही नहीं करते। प्रत्येक व्यापारी संस्थान में नम्रता बड़ी लाभकारी होती है। मुनाफा कमाने के लिए नम्रता बहुत आवश्यक है। यदि हम धन कुबेर बनना चाहते हैं तो नम्रता पूर्ण व्यवहार करना ही होगा। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह असुविधा सहन कर लेता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह असुविधा सहन कर लेगा। घटिया माल खरीदकर गुजारा कर सकता है, लेकिन वे उस व्यापारिक संस्थान से संपर्क रखना पसंद नहीं करेगा जो अपने ग्राहक के साथ शुष्क एवं अभद्र व्यवहार करता हो। ऐसा अनुभव तो आपने भी किया होगा। यदि आप किसी किराने की दुकान में जाते हैं सामान लेने और यदि कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो भले ही उस दुकान की कितनी भी अच्छी रेपुटेशन हो, कितना भी अच्छा सामान मिलता हो, आप अगली बार उस दुकान में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है। आप दूसरे दुकान से सामान लाएंगे। तो आपने देखा कि मृदु भाषी जो गुण है उससे कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। यदि हम इस गुण को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही सफलता के लिए 2 स्टेप 10 स्टेप हम और आगे मूव कर जाएंगे। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी। आई होप आपको सुनकर बहुत मजा आया होगा। दूसरी स्टोरी इससे भी ज़्यादा रुचिकर है। इसको सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। न्यूयॉर्क का एक व्यक्ति था, एक धनवान व्यक्ति था। उसका बैंक में बहुत अधिक धन जमा था। शायद वह सबसे अधिक राशि वाले लोगों में से एक था। न्यूयॉर्क के एक धनवान व्यक्ति के बारे में कहानी है। उसका एक अकाउंट था एक बैंक में और वो सबसे ज़्यादा पैसे वाला कस्टमर था उस बैंक का। एक दिन एक क्लर्क ने उससे अभद्र व्यवहार किया। इस पर उस धनवान व्यक्ति ने अपनी सारी रकम उस बैंक से निकलवा ली और खाता बंद कर दिया। देखा आपने, एक क्लर्क ने थोड़ी सी अभद्र बात कर दी और उस बैंक का सबसे ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करने वाला कस्टमर छूट गया उससे। ठीक है, वह अपना सारा धन किसी दूसरे बैंक में जमा कर आया। हालांकि बात भी मामूली सी थी। वह एक रोज चेक को कैश कराने गया। उसने बाबू के सामने काउंटर पर अपना हैट उतार कर रख दिया। क्लर्क ने कठोर स्वर में कहा, अपना हैट यहाँ से हटा ले, ऐसा बोला उसने। इस पर धनवान व्यक्ति ने कहा, अभी हटा लेता हूँ और अपना खाता भी हटा लेता हूँ। और हुआ भी यही, उसने अपना खाता हटा लिया। फिर क्या होता है, बैंक के उच्च कर्मचारी प्रायः आश्चर्य करते हैं कि उस अच्छे डिपॉजिटर ने अपनी रकम क्यों हटा ली, जबकि बैंक की इतनी अच्छी साख है। लेकिन उन्होंने कारण की गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को शिष्टापूर्वक व्यवहार करना नहीं सिखाया। आपका बैंक बड़ा है, यह साख अच्छी है, इससे ग्राहक को क्या भाई। यहाँ वे आपके कटु वचन सुनने के लिए नहीं आते। वे अपेक्षा करते हैं कि आपका व्यवहार उनके प्रति अच्छा हो, आप उनका सम्मान करें।
इसके विपरीत जिस बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार भद्र एवं शालीन हो, जिसकी वाणी नम्र एवं आदरपूर्ण हो, उस बैंक में लोग दूर दराज से आकर भी अपना खाता खोलना चाहते हैं। अरे ऐसा तो आपने भी अनुभव किया होगा। अच्छे बैंक प्रबंधकों को भली भांति मालूम है कि नम्रता में कितनी शक्ति होती है, अच्छे व्यवहार में कितना आकर्षण होता है, एक बैंक के फलने फूलने में इन सद्गुणों का कितना योगदान होता है। न जाने बहुत से बैंक अधिकारी, खजांची, लेखाकार, निगम के क्लर्क एवं जनसेवा में नियुक्त व्यक्ति जो शीशे के काउंटर के पीछे बैठे कार्य करते हैं, इतने रूखे एवं कटुभाषी क्यों होते हैं? क्या उनके लिए यह जरूरी है कि वो ग्राहक को यह एहसास कराएं कि वे इनके लिए सरदर्द हैं? है ना, हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। यदि हम बैंक वगैरह में जाते हैं तो उन लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम उनके लिए मुसीबत हों, सरदर्द हों। जबकि हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक की इनकम होती है और उनको सैलरी मिलती है। लेकिन ये तो हमारा आम अनुभव है कि वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके लिए क्या हों, सिरदर्द हों। है ना, उनको पता ही नहीं नम्रता का महत्व क्या होता है, मीठे वचन बोलने का महत्व क्या होता है। क्रोधी, शुष्क एवं कटुभाषी होना बहुत बड़ा दुर्गुण है। जब आप उनकी सेवा के बदले पैसा लेते हैं तो उनका क्या अधिकार है कि वे आपका काम करते हुए एहसान जताएं? यदि वे आपका कार्य करते हैं तो अपना ही कर्तव्य पालन करते हैं जिसके लिए उन्हें वेतन मिलता है, परंतु उनको विनम्रता तो सिखाई ही नहीं जाती, ऐसा लेखक इस बुक में कहते हैं। तीसरी कहानी, ये एक लड़की की कहानी है, एक साधारण लड़की की कहानी है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। जितनी भी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ सबका कंक्लूजन यही है कि यदि हम मृदुभाषी हैं, हम नम्र हैं, हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम अपने कार्य बहुत ही सरलता से कर सकते हैं और सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। अब उस लड़की की स्टोरी को सुनते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक ऐसी लड़की से परिचित हूँ जो एक विभागीय भंडार में नियुक्त की गई थी। यद्यपि वह आकर्षक नहीं थी, फिर भी अपने भीतर उसने एक खूबी को विकसित कर लिया था। वह खूबी क्या थी आप जानना चाहेंगे? वह खूबी ये थी कि वह प्रत्येक ग्राहक का नाम, परिचय आदि स्मरण रखती थी। ग्राहक आने पर वह सम्मानपूर्वक उनका नाम लेकर उसे पुकारती और वे आश्चर्य एवं प्रसन्नता से गदगद हो जाता। आप खुद सोचिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जब आप जाएं तो वो आपका नाम लेकर आपको संबोधित करें, कितना मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि हम उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाया इस लड़की ने, ठीक है। ये जानती थी कि मृदुभाषी और विनम्र व्यवहार करने से क्या क्या हासिल हो सकता है। अभी देखते हैं कि इसके साथ, इस लड़की के साथ क्या क्या होता है। तो वो क्या करती थी, अपने सारे ग्राहकों का नाम याद कर लेती थी और जब वे आते थे तो सम्मानपूर्वक उनका नाम लेकर उन्हें पुकारती थी और वे आश्चर्य एवं प्रसन्नता से गदगद हो जाते थे। वह ना केवल उनके नाम व आकार को ही याद रखती थी अपितु उसे यह भी याद रहता था कि उस ग्राहक की विशेष रुचि क्या है, अरे वाह, और उसे किस प्रकार की वस्तुएं अथवा किस प्रकार की चीजें पसंद हैं या नापसंद हैं। उसी प्रतिष्ठान में पहले से कार्यरत कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो उसका मजाक बनाया करती थी, लेकिन अन्य लड़कियां जिस वक्त सुस्त खड़ी रहती अथवा उसका उपहास किया करती या अन्य ग्राहकों से हंसी मजाक किया करती थी, उस वक्त वह स्थिति का, ग्राहक का, उनकी जरूरत का एवं रुचि का अध्ययन किया करती थी। उसने अपने कोमल, नम्र एवं अच्छे व्यवहार से ग्राहकों को इस प्रकार वशीभूत कर लिया था कि सभी उसके व्यवहार कुशलता की सराहना करते थे। अधिकांश ग्राहक अन्य लड़कियों से सामान खरीदने की अपेक्षा उसे ही प्रेफरेंस देते थे। यदि वो लड़की जरा भी स्टोर में नहीं दिखती तो जो लोग हैं वो असहज हो जाते। तभी स्टोर के मालिक ने उसे विक्रेताओं का प्रमुख बना दिया। देखा, वो सेल करती थी लेकिन मृदु वचन के कारण, मृदु वाणी के कारण अब देखो उसका प्रमोशन हो गया। अब उसको स्टोर के मालिक के जो विक्रेता थे, सेलर्स थे, उनका हेड बना दिया गया। एक वर्ष बाद उसे अपने विभाग में सर्वाधिक वेतन मिलने लगा।
कुछ रोज बाद उसे सामान खरीदने में भी भाग लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे उसने बखूबी निभाया। इसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन और भी बढ़ गया। उसकी तरक्की को देखकर अन्य सहकर्मी लड़कियां कुढ़ती थी मतलब जलती थी, और कहती थी कि उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, पक्षपात किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यापार किसी का लिहाज नहीं करता। इसमें वे ही व्यक्ति उन्नति कर पाते हैं जो अपने ग्राहकों की आवश्यकता, रुचि एवं भावनाओं का पूर्ण ख्याल रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये तीन कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और एक लाइफ को देखने का एक नज़रिया मिला होगा। इस उदाहरण से हम खुद सोच सकते हैं कि नम्रता के व्यवहार का क्या मूल्य होता है। यदि हम अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना चाहते हैं तो हमें दूसरों से कार्य कराने की कला को भली भांति सीखना होगा। यदि हम किसी से अपना कोई कार्य कराना चाहते हैं तो हमें उसके प्रति वैसा ही विनम्र, भद्र एवं, यहाँ पर भद्र का मतलब अच्छा है ना, एवं शिष्टापूर्ण व्यवहार करना होगा जैसा कि हम उससे अपने प्रति कराना चाहते हैं। तेज तर्रार, क्रोधी स्वभाव एवं कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी से कोई कार्य कराने में सफल नहीं हो सकता। अपने अधीनस्थ किसी भी कर्मचारी से यदि हम कार्य कराना चाहते हैं तो हमें उससे बड़े प्रेम भाव से कार्य कराना चाहिए। हमें अपने किसी भी सहयोगी को कोई भी कार्य इतनी विनम्रता पूर्वक सौंपना चाहिए कि वह हमारे द्वारा सौंपे गए कार्य को हमारा आदेश न मानकर अपना परम कर्तव्य मान ले। यदि हम उपरोक्त नियमों का पालन करें तो हम शीघ्र ही अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने में सफल हो सकते हैं। तो मृदुभाषी बने चैप्टर नंबर सेकंड से हमने क्या सीखा? पहली बात हमने सीखी कि व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए विनम्रता, शालीनता एवं सरलता अति आवश्यक है। दूसरी बात हमने सीखी क्रोधी, अक्खड़ एवं अशिष्ट स्वभाव से आप किसी का भी सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी बात, जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ व्यवहार करें वैसा ही आप दूसरों के साथ भी करें। चौथी बात, आपकी मृदुल वाणी आपको आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब अगले वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 3, स्वभाव में दृढ़ता हो, इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।